हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से यहां पर हम लोग एक नई सीरीज के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं जिसका नाम है बीपीएससी 10+2 कंप्यूटर टीचर। आप जानते हैं कि यहां पर कंप्यूटर का लेवल आसान नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर टीचर की जब बात करते हैं तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ना होता है। यहां पर जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स में से पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी 11th का सिलेबस, एनसीईआरटी बेस्ड 12th का सिलेबस एज वेल एज ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर, यहां पर जो मॉक टेस्ट होंगे वो क्या एग्जाम के लेवल की बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है? आंसर है यस, बिल्कुल एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे सेम वैसे ही सीरीज को स्टार्ट कर दिया गया है। आज है इसका डे वन। डेली ये सीरीज डिस्कस की जाएगी जहां पर बेस्ट 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं बेस्ट 25 क्वेश्चंस फॉर बीपीएससी कंप्यूटर टीचर। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें, वो कैंडिडेट्स जो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्यूटर को पढ़ना चाहते हैं और बीपीएससी कंप्यूटर टीचर में जो लेवल आता है एग्जाम में उसको एनालाइज करना चाहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एमसीक्यूज, सभी मॉक टेस्ट की फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है। ये कोर्स 26 जून से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इसमें एनरोल होना तो आप बिल्कुल एनरोल हो सकते हैं। 50+ आवर्स का ये कोर्स रहने वाला है जहां पर आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल, ये सब कुछ मिलेगा। इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और इसकी कॉस्ट है 555। 555, बस 555 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी, साथ में एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ में मॉक टेस्ट मिलेंगे। यानी कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, कंप्यूटर तो श्योर शॉट हम निकलवा देंगे, बस बाकी सब्जेक्ट्स का ध्यान आप दीजिएगा, कंप्यूटर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्या सर, इस कोर्स से ज्वाइन करने के बाद क्या किसी दूसरी वीडियो, किसी दूसरा मॉक टेस्ट या किसी दूसरी बुक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप इस कोर्स पे रिलाय करिएगा। जितना मैंने आपको बताया है इस कोर्स में, जितना मैं आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहा हूं, उसी की मदद से आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है, समझना है, मेरे साथ में बढ़िया तरीके से पढ़ना है। लाइव टाइमिंग्स क्या रहेंगी? 8 PM रहने वाली है लाइव की टाइमिंग्स। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप कर दीजिए आप हमें इस नंबर पे, हम आपकी क्वेरी को, आपके प्रॉब्लम को, आपके जो भी आपका डाउट होगा उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए इसका आंसर। HTTP यूजेस पोर्ट नंबर डैश, वेयर एज HTTPS यूजेस पोर्ट नंबर डैश। HTTP पोर्ट नंबर डैश को उपयोग करता है जबकि HTTPS पोर्ट नंबर डैश को उपयोग करता है। क्या होगा आंसर? हम जानते हैं कि HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP एप्लीकेशन लेयर पर काम करती है जबकि HTTPS ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है ना, ये भी एक डिफरेंस है। HTTP का जो पोर्ट नंबर है वो 80 है और HTTPS का जो पोर्ट नंबर है वो 443 है। सो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 80 and 443। याद रखिएगा इस बात को। तो आई होप कि आपने ये आंसर बिल्कुल सही दिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डैश इज द फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में पाइथन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। डैश पाइथन में वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए एक मौलिक पैकेज है। अगर हमें कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, कोई साइंटिफिक कंप्यूटिंग करनी है पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो किसका यूज करते हैं? एरे का, डिक्शनरी का, लिस्ट का या नंपी का? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा न्यूमेरिकल पाइथन का, दैट इज कॉल्ड नंपी। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग डज HTML सपोर्ट? HTML, CSS, JavaScript, ये तीनों आपको पढ़नी होगी, जो वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग लैंग्वेजेस के नाम से जानी जाती हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि HTML में हेडिंग्स के कितने लेवल होते हैं, HTML शीर्षक के कितने विभिन्न स्तरों का समर्थन करता है? आंसर है 6 लेवल्स। टोटल हेडिंग कितनी होती हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6, यानी करेक्ट आंसर होगा 6। यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो हेडिंग 1 के नाम से यानी H1 है, और सबसे छोटी हेडिंग H6 है। तो इसके लेवल पर भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर H1 बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच HTML टैग इज यूज्ड टू एम्बेड JavaScript इन अ पेज? किसी पेज में JavaScript को एम्बेड करने के लिए किस HTML टैग को उपयोग किया जाता है? JavaScript की बात करें तो जितना भी JavaScript का कोडिंग होती है वो HTML में ही एम्बेड होती है। आप जानते होंगे कि HTML के पेज में ही हम JavaScript की कोडिंग को कर सकते हैं, तो जिसके लिए हमें टैग यूज करना होगा स्क्रिप्ट टैग, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। स्क्रिप्ट टैग ओपन होगा, आप JavaScript का कोड लिखेंगे और फिर स्क्रिप्ट टैग आपका क्लोज हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल ऑफ द SSL एंड TLS प्रोटोकॉल सूट इज यूज टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है SSL और TLS प्रोटोकॉल। SSL मतलब सिक्योर्ड सॉकेट लेयर और TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर जो सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है वो है SSL, जिसको बदल के अब कर दिया गया है TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। कह रहा है इन दोनों प्रोटोकॉल सूट के किस प्रोटोकॉल का उपयोग क्लाइंट और सर्वर के बीच क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। जब भी हम SSL की बात करें या TLS की बात करें, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उस कम्युनिकेशन को हैंडशेक प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। हैंडशेक का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट। जहां पर जब भी आप कोई भी डेटा सेंड करते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि आपका डेटा सक्सेसफुली सेंड हो गया। जैसे आप जब भी मेल किसी को भेजते हैं तो लिखकर आता है ना, मेल सेंड सक्सेसफुली, क्या है? एक्नॉलेजमेंट है। और इसको क्या बोलेंगे? हैंडशेक प्रोटोकॉल। जब भी आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं तो वहां पर एक ब्लू टिक बन के आता है, डबल टिक बन के आते हैं, जिसका मतलब आपको पता चल जाता है कि जो मैसेज मैंने भेजा है वो रिसीवर को रिसीव हो चुका है, और इसी को बोलते हैं क्या? हैंडशेक प्रोटोकॉल। वेरी गुड। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ OSI प्रोटोकॉल लेयर सब लेयर एंड इट्स फंक्शनैलिटी द इनकरेक्ट पेयर इज? OSI प्रोटोकॉल लेयर सब लेयर और इसकी कार्य क्षमता के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा ऑप्शन गलत है? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा कि यहां पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है। कह रहा है कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा? क्या दे रहा है? नेटवर्क लेयर एंड एरर करेक्शन,
डेटा लिंक लेयर एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन, फिजिकल लेयर एंड बिटरेट। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, क्या नेटवर्क लेयर का काम एरर करेक्शन का होता है? बिल्कुल नहीं। डेटा लिंक लेयर का काम होता है एरर को कंट्रोल करना, फ्लो को कंट्रोल करना और एरर को करेक्ट करना। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओएसआई प्रोटोकॉल सब लेयर एंड इट्स फंक्शनैलिटी द इनकरेक्ट पेयर इज। तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया, बाकी देख लेते हैं। डेटा लिंक लेयर एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, क्या डेटा लिंक लेयर फ्रेम पर काम करता है? बिल्कुल सही। डेटा लिंक लेयर में डेटा को फ्रेम्स के फॉर्मेट में ही फॉरवर्ड किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, एंड टू एंड प्रोसेस को कम्युनिकेट करना, बिल्कुल सही है। और लास्ट कह रहा है फिजिकल लेयर एंड बिटरेट, क्या बिट का इस्तेमाल फिजिकल लेयर में किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल वैलिड है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, नेटवर्क लेयर एंड एरर करेक्शन, जबकि होता क्या है, डेटा लिंक लेयर का काम है एरर को करेक्ट करना। वेरी गुड। नेक्स्ट, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया कॉमा फाइल ट्रांसफर कॉमा डीएचसीपी एंड एसटीटीपी रिस्पेक्टिवली आर। रियल टाइम मल्टीमीडिया कॉमा फाइल ट्रांसफर कॉमा डीएचसीपी और एसटीटीपी के लिए क्रमशः ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। हम लोग एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो ही प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, कौन सी, एक है टीसीपी प्रोटोकॉल और एक है यूडीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी का मतलब है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आप जानते हैं कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। वेरी गुड। अब यहां पर मुझे आप देखकर यह बताइए कि रियल टाइम मल्टीमीडिया यहां पर कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही होगी, तो आपको पता होना चाहिए रियल टाइम में हमेशा यूडीपी का यूज होता है, तो रियल टाइम मल्टीमीडिया में जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो यूडीपी होगी। फाइल ट्रांसफर करने के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो यहां पर टीसीपी होगा। डीएचसीपी यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस को डायनेमिक असाइन करने के लिए अगेन यूडीपी का यूज होता है, और एसटीटीपी के लिए टीसीपी का यूज होता है। तो आंसर क्या बनेगा, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी एंड टीसीपी, यानी थर्ड इज दी वैलिड वन। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, अक्सर जितने भी कंप्यूटर टीचर्स के एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपके एग्जाम में भी एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, शॉर्टकट की यूज टू ओपन गूगल क्रोम डेवलपर टूल इन विंडोज इज। विंडोज में गूगल क्रोम डेवलपर टूल खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? अगर हम गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। ब्राउजर में आप जानते हैं कि डेवलपर ऑप्शंस गिवन होता है जहां पर हम उसकी कोडिंग को देख सकते हैं, डेवलपर टूल में जाकर उसके कोड को देखा जा सकता है, और वहां तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट आई, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन। फिर से याद रखिएगा, ब्राउजर में गूगल क्रोम में डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट आई। नेक्स्ट, डैश कन्वर्ट अ सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित किया जाता है किसकी मदद से? सोर्स कोड का मतलब जो कोड प्रोग्रामर लिखता है, जो कोड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखता है उसे सोर्स कोड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है मशीन कोड। तो सोर्स कोड को मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना
ये काम किसका है? बिल्कुल सही, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर क्या गिवन है? कंपाइलर, दैट इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया गाइस? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर एक साथ प्रोग्राम को डीबग करता है, जबकि इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम के कोड को लाइन बाय लाइन करके डीबग करता है। तो लाइन बाय लाइन की बात हो तो इंटरप्रेटर होगा, ऑल एट वंस एक साथ पूरे कोड को डीबग करने की बात हो तो आंसर कंपाइलर होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, अ फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डैश इंफॉर्मेशन। एक फ्लिप फ्लॉप डैश जानकारी संग्रहित करने में सक्षम है। सोचिए, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या है? बिट, जिसकी फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। बिट के बाद क्या आता है? निबल। निबल के बाद बाइट, देन किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड सो ऑन। तो यहां पर एक बिट को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। और कई सारे फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड। सोच के बताइए, अगर फ्लिप फ्लॉप बिट को स्टोर करता है तो कई सारे फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट अगर कोई मेमोरी है कंप्यूटर में तो वो रजिस्टर है। रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी के बाद रैम है ना? सीक्वेंस को याद रखिएगा। वेरी गुड। जो रजिस्टर होता है वो कहाँ, किसके अंदर होता है ना? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर किसके अंदर पाया जाता है। तो आंसर है सीपीयू या प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर मेमोरी देखने को मिलती है, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी है और फास्टेस्ट मेमोरी भी। वेरी गुड। नेक्स्ट, मूव द रीड राइट हेड ऑफ अ डिस्क इन और आउट टू पोजिशन ऑन अ करेक्ट ट्रैक इज नोन एज। डिस्क के रीड राइट हेड को सही ट्रैक पर अंदर या बाहर की स्थिति में ले जाने को क्या कहा जाता है? यहां पर बात हो रही है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क में रीड और राइट करने का फीचर होता है, ये हम सब जानते हैं, जिसे RW के नाम से जाना जाता है। याद क्या रखना है? रीड राइट के फीचर को सीक टाइम बोलते हैं, यानी हार्ड डिस्क को रीड या राइट करने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सीक टाइम। तो क्वेश्चन ये उठता है, सर ये बताइए लेटेंसी टाइम क्या होता है? व्हाट इज लेटेंसी टाइम इन हार्ड डिस्क? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। आपने हार्ड डिस्क से किसी फाइल की रिक्वेस्ट करी और उसने वो फाइल आपके लिए ओपन करके दी, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में लगा समय लेटेंसी टाइम है, जबकि रीड और राइट में लगा समय सीक टाइम है। वेरी गुड। द प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच द आउटपुट ऑफ एनी प्रोग्राम इज नॉट प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन प्रिंटर बट डम्प्ड ऑन टू अ रिजर्व्ड एरिया ऑफ अ डिस्क इज नोन एज। समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोसेस है जिसमें आउटपुट जो है, द आउटपुट ऑफ एनी प्रोग्राम इज नॉट प्रिंटेड। हम क्या करते हैं, जब प्रिंट देते हैं तो तुरंत प्रिंट आउट निकल आता है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि प्रिंट आउट देने पर प्रिंट ना निकले, आउटपुट ना निकले डायरेक्टली ऑन प्रिंटर बट डम्प्ड ऑन टू अ रिजर्व्ड एरिया। इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कहीं पर डम्प हो जाए, कहीं पर रह जाए किसी रिजर्व्ड एरिया में। उसे क्या बोला जाता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वह प्रक्रिया जिसमें किसी प्रोग्राम का आउटपुट
सीधे प्रिंटर पर प्रिंट नहीं किया जाता, बल्कि डिस्क के आरक्षित क्षेत्र में डंप किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रोसेस को क्यू में लगाने की प्रक्रिया को, मैकेनिज्म को, प्रोसेस को स्पूलिंग बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, स्पूलिंग। इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि आपने 10 प्रिंट एक साथ दिए, तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक आदेश देगा कि सभी प्रिंट को एक क्यू में लगा ले और फिर एक एक करके प्रिंट दे। तो क्यू में लगाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट, डिसेबलिंग एंड इंटरप्ट इज नोन एज, किसी व्यवधान को अक्षम करना क्या कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंप्यूटर में इंटरप्ट क्या होता है, सोचिए, इंटरप्ट का मतलब रुकावट। जब कभी भी हमारा मोबाइल फोन या कोई भी गैजेट या लैपटॉप या पीसी की चार्जिंग खत्म हो रही होती है, तो एक मैसेज आता है स्क्रीन पे कि चार्जिंग से कनेक्ट कर लीजिए, चार्जर से कनेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। ये क्या है, इंटरप्ट है। कई बार कंप्यूटर में इंटरप्ट को डिसेबल किया जाता है। इंटरप्ट को डिसेबल करने के लिए मास्किंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो डिसेबलिंग एन इंटरप्ट इज नोन एज मास्किंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, नेक्स्ट, इन डैश मॉडल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल रिलीज। डैश मॉडल में सॉफ्टवेयर को वृद्धिशील रिलीज की श्रृंखला में विकसित किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉडल हैं, जिसमें इंक्रीमेंटल मॉडल को क्या बोला जाता है, जिसमें वृद्धिशील मॉडल को क्या बोला जाता है, स्पाइरल मॉडल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पाइरल इज द करेक्ट वन। स्पाइरल मॉडल की खास बात क्या है, रिस्क एनालिसिस एंड प्लानिंग। यहां पर रिस्क को बहुत ज्यादा एनालिसिस किया जाता है, रिस्क फैक्टर पर बहुत ज्यादा प्लान किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा SDLC मॉडल है जिसमें रिस्क की एनालिसिस की जाती है, जिसमें रिस्क की प्लानिंग की जाती है। तो आंसर क्या होगा, स्पाइरल मॉडल, जहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले रिस्क एनालिसिस और प्लानिंग होती है, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, कोडिंग एंड टेस्टिंग होगा, इवेल्युएशन होगा, फिर रिस्क एंड एनालिसिस एंड प्लानिंग होगी, यानी ये सीक्वेंस आपका चलता ही रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पाइरल प्रोसेस मॉडल। क्लियर है, वेरी गुड। अ जावा प्रोग्राम दैट इज एम्बेडेड इन HTML डॉक्यूमेंट एंड रन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा कैपेबल ब्राउजर इज नोन एज। एक जावा प्रोग्राम जो HTML दस्तावेज में एम्बेडेड होता है और जावा सक्षम ब्राउजर के संदर्भ में चलता है, उसे क्या कहा जाता है। जावा में बने गए छोटे छोटे प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड एपलेट। जावा प्रोग्राम्स जो एम्बेड होते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज एपलेट। जैसे आपने देखा होगा इमोजीज, है ना, अलग अलग तरीके की इमोजीज होती हैं, इमोजीज को बनाने के लिए भी जावा प्रोग्रामिंग की मदद ली जाती है, और इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं, एपलेट बोलते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम DFD। डेटा फ्लो डायग्राम यानी DFD का दूसरा नाम क्या है, डायग्राफ, बबल चार्ट, फ्लो चार्ट, पिक्टोरियल ग्राफ, क्या होगा करेक्ट आंसर। हम जानते हैं कि डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे बोलते हैं DFD। दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो दी डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड डेटा फ्लो डायग्राम। जिससे कि हमें यह पता चले कि डेटाबेस में जो डेटा का फ्लो है वो कैसा है, रिलेशनशिप कैसी है, एंटिटीज के बीच में जो कनेक्शन है वो कैसा है,
इसके लिए हम डीएफडी को डिजाइन करते हैं, और डीएफडी का दूसरा नाम है बबल चार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। याद रखिएगा डीएफडी को कई बार बहुत प्यार से बबल चार्ट के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केस टूल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में केस टूल का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? हम जानते हैं जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वहां पर केस की बहुत वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि केस का मतलब है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहां पर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाए इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, कई सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और इस पूरे पैकेज को बोलते हैं केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कई बार हम इसमें रिवर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी यूज करते हैं ताकि एग्जैक्ट हम ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाए, तो दैट इज कॉल्ड केस टूल। वेरी गुड। इनर मोस्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मेन मेमोरी इज नोन एज? ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो डेप्थ लेवल पर पढ़िएगा इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे भीतरी परत जो हमेशा मुख्य मेमोरी में मौजूद रहती है क्या कहलाती है? यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम, हार्डवेयर या कर्नल? हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, खास तौर पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसका बहुत यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कर्नल। तो ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे भीतरी परत को जो हमेशा मुख्य मेमोरी में मौजूद रहती है, जो मेन मेमोरी में रहती है अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड कर्नल। वेरी गुड। नेक्स्ट, अ कनेक्शन दैट अलाउज ट्रैफिक ईदर वे बट ओनली वन वे एट अ टाइम इज नोन एज? एक कनेक्शन जो किसी भी तरफ से यातायात की अनुमति देता है लेकिन एक समय में केवल एक ही तरफ से यातायात की अनुमति देता है, उसे क्या बोलते हैं? दोनों तरफ हो सकता है लेकिन एक समय पर एक हो, दैट इज कॉल्ड वॉकी टॉकी, दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, हाफ डुप्लेक्स। एक ही डायरेक्शन में हो सिंप्लेक्स, दोनों डायरेक्शन में हो लेकिन एक समय पर एक हाफ डुप्लेक्स, दोनों डायरेक्शन में हो एक साथ रियल टाइम पर, दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स, है ना, जैसे मोबाइल फोन, दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट, जावा कंपाइलर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू डैश। जावा कंपाइलर सोर्स कोड को डैश में अनुवादित करता है। जरा मुझे सोच के बताइएगा कि जावा कंपाइलर का काम क्या है? सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करना? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना? जी नहीं, सोर्स कोड को मिडलवेयर कोड में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड बाइट कोड। और यही तो है जो हमारे कोड को क्या बनाता है? इंडिपेंडेंट बनाता है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बाइट कोड, है ना। याद रखिएगा कि जावा में JVM का यूज होता है, जावा वर्चुअल मशीन का यूज होता है, और यहां पर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। क्या पाइथन में भी बाइट कोड का यूज होता है? बिल्कुल सही, पाइथन में भी सोर्स कोड को पहले बाइट कोड में ही कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQA इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में SQA का पूर्ण रूप क्या है? क्या आप जानते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं या अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है SQA, और इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इसका मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है
उस पर एश्योरेंस दिया जा रहा है कि अप टू दी मार्क है ना। जैसे हम कोई गोल्ड खरीदते हैं तो उसके ऊपर मार्क चेक करते हैं, है ना, कि ये प्योर गोल्ड है या नहीं है, ये वेरीफाइड है या नहीं, ये एश्योर्ड है या नहीं। वैसे ही सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करने के लिए SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिसिस या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का होना जरूरी है। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ मेमोरी वेस्टेज विद इन द मेमोरी पार्टीशन इटसेल्फ देन इट इज नोन एज, जब मेमोरी विभाजन के भीतर ही मेमोरी बर्बाद होती है तो इसे क्या कहते हैं। कई बार जब हम मेमोरी को पार्टीशन करते हैं तो मेमोरी की वेस्टेज हो जाती है, और मेमोरी वेस्टेज एट द टाइम ऑफ मेमोरी पार्टीशन दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। हम जानते हैं कि यहां पर दो तरीके की फ्रेगमेंटेशन होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। लेकिन जब भी हम विद इन की बात करते हैं, जब भी हम मेमोरी के भीतर की बात करते हैं, तो यहां पर जो वेस्टेज होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। बहुत सारे तरीके की टेस्टिंग होती है ना, जिसमें अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ब्ला 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 एंड सो ऑन, बहुत सारी। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को और क्या बोलते हैं? व्हाइट बॉक्स का मतलब जब हम हर एक कोड पर टेस्टिंग करते हैं, जब हम उसके कंप्लीट प्रोसेस पर टेस्टिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और इसका दूसरा नाम है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स को क्या बोलते हैं? ग्लास बॉक्स भी बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो कौन सा है? एंड्रॉइड है जो यूज होता है, iOS है एप्पल का, विंडोज भी यूज हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे मोबाइल के लिए बनाए गए, जैसे नोकिया का सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो फिलहाल अब यूज नहीं होता, लेकिन है तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। पाल्म मतलब होता है हथेली, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको हथेली पे रख के चलाते हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनको हथेली पे रख के ऑपरेट किया जाता है, उन्हें पाल्म डिवाइसेस बोलते हैं, और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। मैनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल नहीं। मैनेट तो नेटवर्क को बोलते हैं, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो ब्लूटूथ, जिगबी जैसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो समय समय पर बदल जाता है, ऐसे नेटवर्क को मोबाइल एडहॉक नेटवर्क बोलते हैं, मैनेट। तो इसका मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, ये नेटवर्क है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया का, बिल्कुल सही। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका भी यूज मोबाइल में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का। तो आंसर क्या होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैनेट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी इजी। नेक्स्ट, लेयर 5 ऑफ OSI मॉडल इज, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, पाइथन, HTML, CSS, JavaScript, IoT, डेटाबेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सी लैंग्वेज, C++, जावा है ना, तो ये आपको डीप में पढ़ना होगा। लेयर 5 ऑफ OSI मॉडल कौन सी है? आप जानते हैं कि OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें 5th लेयर को सेशन लेयर के नाम से जानते हैं। सो दी करेक्ट आंसर इज सेशन लेयर। पहली लेयर फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। याद करने का तरीका, आप ST नहीं दे पाएंगी, AP आप, ST स्पीड टेस्ट एंड नहीं DP मतलब दे पाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी? फिजिकल लेयर, क्योंकि OSI मॉडल में ये जो 7 लेयर्स हैं ये बॉटम अप अप्रोच कहलाती है। बॉटम अप का मतलब
कि पहले फिजिकल होगी, फिर डेटा लिंक होगी, फिर नेटवर्क होगी, फिर ट्रांसपोर्ट होगी, फिर सेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। तो इसी के साथ 25 क्वेश्चन का सफर तय कर लिया है हम लोगों ने। 25 में से कितने आपने स्कोर किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इन ओएसआई मॉडल नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर किसके लिए उत्तरदायी है? हम जानते हैं कि नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर होती है ओएसआई मॉडल में, है ना। आप देख सकते हैं फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क। लेकिन नेटवर्क लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टोकन मैनेजमेंट के लिए, राउटिंग के लिए, डायलॉग कंट्रोल करने के लिए, या फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लियर है? सेशन आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरीके के वीडियोस लगातार आते रहेंगे जहां पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं एमसीक्यूज की मदद से। इन डेप्थ अगर टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप एप्लीकेशन से अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, फिर इस पार्टिकुलर कोर्स बीपीएससी 2023 कंप्यूटर टीचर के कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा और बेसिक से लेकर एडवांस तक हमारे साथ में पढ़िएगा। वहां पर मॉक टेस्ट भी होंगे, वहां पर पीडीएफ भी आपको मिलेगी, यानी कंप्यूटर की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सचिन सर की है। दैट्स इट। कैसा लगा आपको यह सेशन कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसी तरीके से बढ़िया लेवल पे तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और फाइनली जो हमारा मोटिव है सिलेक्शन लेने का, इसको जरूर लीजिएगा। कंप्यूटर को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो लेवल आपको देखने को मिलेगा वो काफी एडवांस होगा, क्योंकि अब कंप्यूटर में क्वेश्चंस का लेवल काफी आसान नहीं होता। अगर एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो उसका भी लेवल काफी एडवांस होगा। तो आपको जो तैयारी करनी है वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की करनी होगी, तभी आप कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।